8 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में एक रेजोल्यूशन पे वोटिंग होती है। ये रेजोल्यूशन जो है ये यूक्रेन, यूएस, यूके और पश्चिमी देशों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस रेजोल्यूशन का उद्देश्य क्या है कि जिस प्रकार से रशिया वॉर क्राइम कर रहा है यूक्रेन के अंदर और बूचा के अंदर जो उसने मैसाकेर किया है, उसके चलते यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से जो रशिया की इलेक्टेड मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। हाल फिलहाल के अंदर में रशिया 2020 के अंदर में इलेक्टेड मेंबर जो है वो इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, जिसको अभी के लिए इस वोटिंग के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरी बार ऐसा लीबिया के साथ 2011 में हुआ था, जब गद्दाफी की फोर्सेस ने जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उनके ऊपर अत्याचार किया था। भारत इस रेजोल्यूशन की वोटिंग से एब्सटेंट रहा है, क्योंकि भारत का मानना है इस प्रकार के किसी भी सस्पेंशन के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या भारत को अपना स्टैंड बदलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।